सो हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यूट्यूब हाई नॉलेज। माय होस्ट और आपका दोस्त आलोक रंजन, और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमें स्मार्ट चीज़ों से खेलना और अपने घर में रखना कितना ज़्यादा पसंद आता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही टॉप 10 इंटरेस्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ना केवल आपके घर को स्मार्ट बल्कि सिक्योर भी रखेगा। तो चलिए ऐसे ही गैजेट्स के बारे में जानते हैं। तो नंबर 10 पे आती है कंगारू, यानी कि बायोनिक कंगारू, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है। तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग और उनके क्रिकेट टीम को हम लोग कंगारू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत तादाद में कंगारू पाए जाते हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु कंगारू को ही कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है, पर कंगारू को घर में तो नहीं रख सकते, इसीलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने एक बायोनिक कंगारू बनाया ताकि इसे आप घर में भी रख सकते हैं। ये बायोनिक कंगारू बिल्कुल कंगारू की तरह होते हैं और इनके पैर भी उसी तरीके से होते हैं जैसे कि जो रियल में कंगारू होते हैं उसके होते हैं, और इसके पास दो हाथ भी होते हैं जैसे कंगारू के होते हैं, और इसका एक क्यूट सा फेस भी होता है जैसे कि कंगारू का होता है। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है, और इससे फायदा ये भी होता है कि जिस देश में कंगारू नहीं पाया जाता है वहाँ के लोग भी बायोनिक कंगारू को अपने घर में रख सकते हैं और हमेशा इसको देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। कंगारू का एक ये जो कंगारू है इसमें आप देख सकते हैं इनके दो पैर हैं, दो हाथ जिस तरीके से कंगारू का होता है उसी तरीके से बनाया गया है, एक पूंछ और एक क्यूट सा फेस भी बनाया गया है। तो लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। नंबर 9 पे आती है एरकोनाइट 360, जो कि एक इलेक्ट्रिकल बाइक है और ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है। मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसी बाइक अभी तक आप अपने लाइफ में तो नहीं ही देखा होगा, बट हाँ, अगर आप रेसलिंग के शौकीन हैं और आप WWE देखते हैं तो आपने अंडरटेकर की बाइक तो देखी ही होगी। तो ये भी कुछ उसी तरीके की बाइक है, पर इसको सबसे स्पेशल जो बनाती है वो है पैडलिंग का ऑप्शन। इसमें पैडलिंग का ऑप्शन भी होता है, जो अगर आप पैडलिंग करके भी अगर यूज करते हैं फिर भी आप 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन कर सकते हैं, और अगर बैटरी पे चलाएंगे तब तो आसानी से ही होगी। ओवरऑल ये बाइक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप यूज़ करना चाहे तो बिल्कुल कीजिए। तो नंबर 8 पे आती है बक ए सॉल्ट। हम अपने घर में नए नए तरीके के हर रोज़ नए नए डिश बनाते रहते हैं, कभी मिठाइयाँ तो कभी नमकीन, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और साथ में ही आते हैं मक्खी और मच्छर बिना इनविटेशन के, वो बैठ ही जाते हैं हमारे खाने पे, और हम चाहते हैं कि ये हमारे खाने पे बिल्कुल ना बैठे क्योंकि ये हमारे खाने को कर देते हैं पॉइजनस। तो इसको आप गन से उड़ा सकते हैं। ओ, मैं सच्ची वाली गन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस सॉल्ट गन की। सॉल्ट गन मतलब यहाँ पे बुलेट की जगह भरी जाती है सॉल्ट, और जहाँ भी आपको अपने खाने पे मच्छर या मक्खी दिख जाए वहाँ पे आप स्प्रे करिए, और इसकी इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि उसको आप आसानी से उड़ा देता है, और आपके पास आपकी खाना बिल्कुल सुरक्षित रहती है और टेस्ट भी वही रहता है, क्योंकि इतना प्रेशर से वहाँ पे सॉल्ट मारा जाता है कि उसको उड़ाने के बाद सॉल्ट भी इधर उधर बिखर जाती है, तो टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आती है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर से अपने घर में इस नए वेपन्स को शामिल कीजिए। नंबर 7 पे आते हैं 3D Doodler 2.0। ये एक 3D इमेज बनाने वाली पेन है जिससे आप बहुत ही इजीली 3D इमेज बना सकते हैं। अभी तक आपने 3D मूवीज देखे थे, पर आप 3D इमेज अपने घर में अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं और इसको डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रिएटिविटी के बहुत शौकीन हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर से यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम आप बना पाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना पाएंगे। अगर आप अपने घर में देखें तो हमेशा कुछ ना कुछ प्लास्टिक की चीज़ों का हमें यूज आता ही रहता है, कभी डेकोरेशन में तो कभी किसी चीज़ में, पर हमें वो चीज़ बाज़ार में मिल जाए आसानी से ये तो ज़रूरी नहीं। तो आप आसानी से अपने घर में इस 3D इमेज से वाली पेन से आप बहुत ही अच्छे से 3D डायग्राम बना पाएंगे और अपने घर को एक अच्छे से डेकोरेटेड घर में चेंज कर पाएंगे। तो ज़रूर से इस पेन को परचेज कीजिए।
नंबर 6 पे आती है ईव। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिवाइस है जिससे आप अपने घर में हो रही सभी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आपके किचन में क्या चल रहा है वो आप जानना चाहते हो तो आप अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं। आपका कोई नल खुला छूट गया हो उसको आप बंद कर सकते हैं सिर्फ अपने फ़ोन से, चाहे आप कहीं भी हो। अगर मान लीजिए आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बाहर चले गए हैं, कार में हैं, फिर भी अगर आपको याद आता है कि ओ माई गॉड लाइट तो ऑन छूट गई रूम की, तो आप कहीं से भी रूम के बाहर से भी आराम से लाइट्स को ऑफ कर सकते हो सिर्फ ईव की मदद से। ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, आप कहीं से भी अपने घर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जरूर से इसे इस्तेमाल करें। नंबर 5 पे आती है ट्रूजा। साइकिल लेके निकले अपने बच्चों की फिक्र तो आपको जरूर होती होगी, या फिर आपके छोटे बहन या फिर आपके गर्लफ्रेंड की फिक्र तो आपको जरूर होती है, पर आप कॉल करने के बाद भी उसका सही लोकेशन पता नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपसे बोलते हैं झूठ। तो आप इसको अच्छे से कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए एक डिवाइस है ट्रूजा, जिसको आप जिसके भी साइकिल में लगाना चाहते हैं, जिसका लोकेशन जानना चाहते हैं, उसके साइकिल में ये डिवाइस आसानी से फिट आ जाती है। आप इसको आसानी से इस तरीके से फिट कर देंगे, फिर अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे और आपको उसके बाद सारी लोकेशन पता चलती रहेगी कि वो साइकिल कहाँ कहाँ जा रहा है और कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो आप सच्चाई जान पाएंगे और अच्छे से उसका ख्याल और ध्यान रख पाएंगे। जल्दी से इस डिवाइस को अपने घर में लाइए और यूज कीजिए। फिर आती है टेस्वा रोबोट वैक्यूम X500। ये एक वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप काम वाली खोज रहे हैं, घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आ गया है ये डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि खुद ही चार्जिंग पे जाके चार्ज हो जाएगा और उसके बाद जब भी आप इसको आवाज़ लगाएंगे ये काम करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि इसमें एलेक्सा फिट है। क्योंकि आप आवाज़ देंगे तो ये उस पर डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये सेंसर लगा हुआ है एलेक्से का जो कि गूगल में होता है। तो आप आसानी से इस डिवाइस को घर में ला सकते हैं और ये हर जगह पे पहुंच सकती है क्योंकि ये छोटा है, जैसे कि जहां पे इंसान नहीं पहुंच सकते हैं लाइक दीवार के बहुत करीब में या फिर सोफे के अंदर में, पर ये डिवाइस हर एक जगह पे पहुंच जाएगी और हर एक जगह की चुन चुन के सफाई कर डालेगी। तो इसको आप जरूर से अपने घर में लाएं, आसानी से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जहां से भी खरीदना चाहें आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन मिले ना मिले, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी, तो आप जरूर से इसको ट्राई करें, अमेजिंग है। नंबर 3 पे आता है एनजी, जो कि एक कैमरा है, जो सीसीटीवी कैमरा होती है ना कुछ उसी तरीके की, बट ये उससे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेट होती है लाइक स्पाइडर कैमरा। तो स्पाइडर कैमरा तो बहुत महंगी होती है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ये कैमरा को आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसको आप अपने घर में कहीं भी एक जगह पर रख देंगे जो 360 डिग्री रोटेट होकर के घर के हर एक कोने को आसानी से आप देख पाएंगे कहीं से भी, चाहे आप ऑफिस में हो या जहां भी हो, आपके डोर पे कौन है आपको अंदर से ही पता चल जाएगा। तो कहीं भी आप हो, आपके घर में क्या हो रहा है आप आसानी से जान पाएंगे, पूरे घर को आप अच्छे सिक्योरिटी दे पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे, आप अच्छे लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। तो जरूर से इसको एक बार यूज करें। नंबर 2 आता है प्रेजेंस 360, जो कि पहले वाला, इससे पहले वाला मैं जो मैंने आपको कैमरा दिखाया उसमें क्या था, वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा पर स्पाइडर कैमरा से थोड़ा कम था, पर ये वाला जो है ये उससे भी सस्ता है। ये भी 360 डिग्री काम करेगा, इसमें आपका फ़ोन यूज आएगा। आप क्या करेंगे, एक फ़ोन को इस डिवाइस के साथ लगा के अपने घर में रख देंगे और ये 360 डिग्री रोटेट होकर के ये सारा वीडियो कैप्चर करेगा और दूसरे फ़ोन को आप इस फ़ोन से कनेक्ट करेंगे और आसानी से पूरे घर को देख पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप अपने घर पे नज़र रख पाएंगे, एक अच्छा सिक्योरिटी अपने घर को दे पाएंगे और अपने घर वालों की ख्याल रख पाएंगे। सो ये बहुत अमेजिंग है, तो दोनों में से कोई एक कैमरा तो जरूर ही लीजिए आप। तो नंबर 1 पे आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग थियोडोर। ये एक ऐसा डोर है जो कि फ़ोन से ही कंट्रोल होता है, यहाँ पे कोई चाबी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप भी नॉर्मल डोर की बात करें तो यहाँ पे आप मान लो कभी गेट बंद करना भूल जाते हो या फिर कभी चाबी गुम हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑफिस गए हो या कहीं गए हो, डोर बंद करना भूल गए हो, तो आसानी से आप वहीं से इसको बंद कर सकते हैं और आसानी से अपने घर को सेफ रख सकते हैं। अगर कोई अननेसेसरी एक्टिविटी होती है तो आपके फ़ोन में अलर्ट फटाफट से आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि घर में कुछ हो रहा है, आसानी से आप अपने घर को सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर से इसको यूज करें। और ये तो मैं कहूँगा आप कोई भी चीज़ यूज करें ना करें, इसको आप ज़रूर से यूज करें क्योंकि ये बहुत भारी सिक्योरिटी देती है, हमेशा अपने घर को आप सुरक्षित रख सकते हैं इस डिवाइस को यूज करके।
तो मैंने आपको लेटेस्ट 10 टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। आपको जो भी अच्छा लगा हो अपने घर में ज़रूर से लाइए और एंजॉय कीजिए। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, यहाँ तक देखे हैं तो ज़रूर से लाइक कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि और भी इस तरीके का वीडियो देख पाएँ, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि सब देख पाएँ। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक